प्लस पीएचडी है ये। हाँ, अगर ये खींचने पर आ जाए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी अपनी गाड़ी में नहीं बैठ सकता, अल्लाह ने वो कुव्वत दी है। अगर इस कौम को जहन्नम के दरवाजे पर बिठा दिया जाए तो मैं यकीन से कह सकता हूं अबू जहल भी जहन्नम में नहीं जा पाएगा, इतना शानदार खिंचाई करेंगे, कहां जा रहा है मेरी जान पलट आ तू। अभी उजैर साहब ने कहा कि यूपी में मुस्लिम मेंबरान असेंबली की किल्लत है। मैंने इस सब्जेक्ट को बहुत करीब से देखा है और बहुत दर्द होता है मुझे, लेकिन मैं क्या कह सकता हूं कि इसमें जिनका कसूर है वो भी बेकसूर हैं। कुछ ज्यादा बातें नहीं की जा सकती, ये जो टांग खींचने का फन है, इस फन ने हमें कहां पहुंचाया है आप अंदाजा नहीं कर सकते। हमारी सबसे बड़ी खूबी यह है कि गर्दन उतारने वाले को तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी इमामत करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुबारक हो यह खूबी अगर आप में मौजूद है तो इसकी परवरिश कीजिएगा। हम तो चले जाएंगे, आने वाली नस्लों को क्या दीजिएगा वो सोच लीजिए। जज्बाती तकरीरें सुन सुनकर सर के बाल सफेद हो चुके हैं। अजीजान मिल्लत, हमने ऐवान सियासत को भी बहुत करीब से देखा है और कई वजीर आला पर और कई वजराए आला से मुस्लिम पॉलिसी पर दो टोक गुफ्तगू हो चुकी है। सवाल ये नहीं है कि मुसलमानों के मसाइल क्या हैं, सवाल ये है, जरा दोबारा सुन लीजिएगा, सवाल ये नहीं है कि मुसलमानों के मसाइल क्या हैं, ना, आपको फिर कहता हूं, फिर सुनिए, सवाल ये नहीं है कि मुसलमानों के मसाइल क्या हैं, सवाल यह है काम शुरू कहां से किया जाए, काम शुरू कहां से किया जाए। हमें काम ही करना नहीं आता, हम काम करने ही नहीं चाहते। हम तो जाड़ों में कंबल उस वक्त तक नहीं बांटते जब तक के एमएलए एमपी हमारे साथ ना आ जाएं, चाहे दोपहर के 12 बज जाए और फकीर और गरीब बेचारा ठंड में ठिठरता रहे, क्योंकि हम तो तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं। लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, इस मुल्क की मारवाड़ियों को हमने देखा है, इस मुल्क के मारवाड़ी हिंदू भाइयों को हमने देखा है। कलकत्ते की सड़क पे रात के 2 बजे पूरी फैमिली स्कॉर्पियो कार से उतरते हैं, बेटी बेटे नवासों के साथ, और जनवरी की सख्त सर्दी कलकत्ते के सेंट्रल एवेन्यू की सड़क पे, मैं प्रोग्राम से आ रहा था रात में लेट नाइट, हमने देखा कि 2 गाड़ियां खड़ी है इस रात में, इस अंधेरी रात में फुटपाथ पे गरीब कार्टून और अखबार ओढ़े सो रहे हैं, और हमारा हिंदू भाई उतर कर रात के अंधेरे में कंबलें डाल रहा है। न कोई फोटोग्राफर था, न कोई एमएलए और एमपी था, मगर हम 10 कंबल बांटते हैं तो गरीबों को जलील करते हैं, जलील करते हैं। यह दिखावा कब तक कीजिएगा? हमारे जो नुमाइंदे हैं सियासी हजरात, उनको भी रोक लगानी चाहिए कि नहीं, खुदा के लिए करो, तुम अल्लाह के लिए करो, मगर तुम्हें अल्लाह के लिए कंबल तक देना नहीं आता। गर्मी के जमाने में काम कहां से शुरू करें, जरा गौर फरमाइए। गर्मी के जमाने में शिद्दत की गर्मी है, पानी की प्यास लगी है, सड़क पे चलने वाले राहगीरों के लिए पानी कौन बांटता है? ये मारवाड़ी, ये गुजराती, ये सिंधी, ये हिंदू भाई शीतल पेयजल लगाते हैं और गुजरने वाले हिंदू मुसलमान सभी ठंडा पानी पीते हैं। वाह जनाब, तकरीर फजीलत पर हम करें और पानी वो पिलाए। आपको किसने रोका पानी पिलाने से? आपको किसने रोका पानी पिलाने से? मैंने उड़ीसा में एक बार तकरीर की इस पर, और एक मदरसा तब इस स्टैंड के करीब आज भी है, उन लोगों ने कहा कि अबू तालिब साहब हम क्या करें, ये तो सारा गैर मुस्लिमों का इलाका है। मैंने कहा मदरसे के छोटे छोटे बच्चे को मई जून के महीने में ठंडे पानी गिलास में डालकर बस स्टैंड भेज दो, क्योंकि देखिए खिदमत खल्क से खुदा मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार हेरा से तशरीफ लाए, इक्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी आयत लेकर, और आप कांप रहे थे, और मां खदीजा जब आपको कंबल उड़ाई तो तसल्ली के अल्फाज क्या थे? जरा गौर कीजिए तसल्लीफ के अल्फाज को, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप न घबराएं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं, भटकों को राह दिखाते हैं। अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। मुसलमानों ने अपने इस अजीम काम को भुला दिया है, और करता भी है तो नाटक ड्रामा और दिखाने के लिए करता है, दिखाने के लिए करता है। मदरसे के छोटे छोटे बच्चे जब पानी का ग्लास लेकर बस स्टैंड पहुंचे तो सुनिए लोगों ने जो मुझे वाकया बताया। कहा कि आप तो बोलकर चले गए, उसके बाद हुआ क्या? हमने क्या हुआ? कहा हमारे छोटे छोटे बच्चे जब तपती हुई धूप में ठंडा पानी लेकर बस के स्टैंड में पहुंचे और उन्होंने पानी बढ़ाया तो बसों से मुसाफिर नीचे उतर आए
और औरतें बच्चों को सीने से लगा के रोने लगी कि बेटा इस गर्मी में तुम पानी पिला रहे हो। और क्या हिंदू क्या मुसलमान, किसी ने अपने जेब से 2 रुपए निकाले, किसी ने 5 रुपए निकाले और उन मासूम बच्चों को देने शुरू कर दिए। मुसलमानों, मोहब्बतें मरी नहीं हैं, मोहब्बतें तुम्हारी बेवफाई का शिकार हो चुकी हैं। तुमने खिदमत भुला दिया है। तुम समझते हो पॉलिटिकल पार्टी के पावर तुम्हें बचा लेंगी? कभी नहीं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, हिंदुस्तान की पार्टियां उसी वक्त सेकुलर हैं जब तक कि आप मजबूत हैं। और 1 मिनट में कम्युनल होने में टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में। अगर अंदाजा हो जाए कि अब तुम उनके काम के नहीं हो तो वह तुम्हारी तरफ पलट कर भी नहीं देखेंगे, पलट कर भी नहीं देखेंगे। मैं करीब से जानता हूं। आप एक काम कीजिए, खिदमत का काम शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, साहिब हैसियत है, मालदार हैं। मैं एक आपको सोल्यूशन पेश करता हूं, एक मशवरा देता हूं, शायद कुछ लगे। अच्छा तो कीजिए, मैं तो करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं करता हूं, मैंने अपने दोस्तों को भी किया है और अब मुस्तकिल ये काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर बोल रहा हूं, मुस्तकिल ये काम कर रहा हूं। जेब में 1000-2000 रुपए रख लिया कीजिए, सरकारी अस्पताल चले जाया कीजिए, किनारे खड़े हो जाइए और देखिए कि सरकारी हॉस्पिटल में गरीब औरत अपने बूढ़े शौहर के इलाज के लिए आई है और कोई नहीं उसका सहारा, कोई नहीं उसका सहारा, वो बेचारी तड़प रही है। आप उसके करीब जाएं और कहें माई आपको किस चीज की जरूरत है। वो बेचारी तड़प जाएगी कि इस जगह पे मुझे मां कहकर किसी ने पुकारा था। और आप कहें, आप उस वक्त कहें माई मैं आपकी सेवा करूंगा, आप उनको दवाएं खरीद के दें, आप उनको खाना खिलाएं, आप उनको अस्पताल में एडमिट कराएं, आप यकीन मानिए उस बहन के दिल से जो दुआ निकलेगी उस दुआ की बरकत से तुम्हारे खानदान तक मुसीबत से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। कभी कीजिए तो, कभी ये काम कीजिए। आखिर मुसलमान, मुसलमान मल्टीपल किचन ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करता? मल्टीपल किचन जिसे हम लंगर कहते हैं, अस्पतालों में आप लंगर क्यों नहीं लगाते? आप वहां भी तो लगाइए, वहां गरीबों को खाना खिलाइए। याद रखिए, अजमत रफ्ता को वापस लाना है तो इलेक्शन जीत कर नहीं, मानवता की सेवा कर हम अजमत रफ्ता को वापस ला सकते हैं। खिदमत खल्क के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपके पार्लियामेंट में, असेंबली में अगर मुसलमान ही मुसलमान भर जाए तो भी आप इज्जत नहीं पा सकते। इसलिए अल्लाह ने इज्जत का रास्ता पार्लियामेंट नहीं, वंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मोमिनीन करार दिया है। आप खिदमत कीजिए, खिदमत कीजिए और अल्लाह के लिए कीजिए। पानी पिलाइए लोगों को, खाना खिलाइए, लंगर चलाइए, इलाज के लिए पैसे बांटिए, सदका कीजिए। और हां, ये सब करते वक्त जरा लाइव टेलीकास्ट मत कीजिएगा, वो खुदा देख रहा है जो फेसबुक में नहीं देखा करता, वो आपको देख रहा है। अगर खुदा को दिखाना है तो मीडिया को साथ ना रखिएगा, और दुनिया को दिखाना है तो याद रखिए कि फिर खुदा तुम्हें नहीं देख रहा है। आइए अजमत रफ्ता को वापस लाने के लिए कुछ बातें जहन में आई, अर्ज कर दिया। मैं अब इसी कड़ी में आगे चलता हूं।